नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। खबर अमेठी से है। दो दिन के अंदर डंपर के टकराने से दूसरी मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने पेट्रोल पंप और प्लांट को किया आग के हवाले। मामला जनपद के विकासखंड सुकुल बाजार का है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में लगे डंपर से कुचलकर आज फिर एक अधेड़ की मौत हो गई। मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने एक्सप्रेसवे के केमिकल प्लांट में आग लगा दी और तोड़फोड़ भी की। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बताते चले कि तकरीबन साल भर पहले यूपी सीएम और कुछ माह पूर्व मुख्य सचिव ने इस स्थान का निरीक्षण किया था। पूरा मामला जिले के बाजार सुकुल थाना क्षेत्र के भटमऊ गांव का है। ग्रामीण द्वारिका नाथ शुक्ला ने बताया कि आज दूधिया शिवबरन दूध देने जा रहा था, एकाएक डंपर ने टक्कर मार दिया और उसकी मौत हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चे और तीन लड़कियां हैं, उनका शादी ब्याह कैसे होगा। डंपर वाले तेजी से गाड़ी दौड़ाते हैं, सिक्योरिटी का भी कहना नहीं मानते हैं। आपको बताते चले कि अभी दो दिन पहले ही 3 तारीख को पूरे शुक्लन के पास तेज रफ्तार डंपर ने एक व्यक्ति को रौंद दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिवार से बात की और कहा कि प्रशासन और कंपनी की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। जिलाधिकारी अमेठी अरुण कुमार व पुलिस अधीक्षक अमेठी दिनेश सिंह ने मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बहाल करवाई। मध्यांचल ब्यूरो राम प्रसाद शुक्ला के साथ अमेठी से ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट।